गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बहुत ही नए और बहुत ही स्पेशल ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है आदि कैलाश के बारे में। बेसिकली सीन क्या है, मैं पहले आपको बताता हूँ। तो काफ़ी लंबे समय से मैं सोच रहा था कि आदि कैलाश जाऊँ, पर मुझे सही बताऊँ तो समय नहीं मिल रहा था। प्लस हम रुपये भी इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि ये लंबी ट्रिप होने वाली है। तो इस ट्रिप में मेरे साथ कौन जा रहा है? इस ट्रिप में मेरे साथ जा रहे हैं हमारे अन्नूदा, जिनका नाम है आनंद सिंह रावत, दीपक दा के छोटे भाई। और अन्नूदा अपनी बाइक से जा रहे हैं अपाचे से, मैं जा रहा हूँ अपनी NS 200 से। हमने डिसाइड किया कि अपनी अपनी बाइक से जाया जाए, क्योंकि आदि कैलाश वाला जो रूट है उसमें अगर आप पिलियन राइडर बैठाएंगे पीछे किसी को तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है लंबी राइड में। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अपनी अपनी बाइक लेके जाएंगे। तो हमारा बेसिकली आज का प्लान ऐसा है कि आज हम सीधे निकलेंगे धारचूला के लिए, शाम तक हम धारचूला पहुँचेंगे। और अगला जो चीज़ है वो है परमिट का हिसाब। तो परमिट हमने बेसिकली देखो, परमिट अगर हम वहाँ जाएंगे धारचूला आज पहुँचते हैं तो कल हमें टाइम लग जाता परमिट के लिए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि एजेंट हायर किया जाए, एजेंट के थ्रू परमिट वाला काम निपटा दिया जाए। तो हमने परमिट का काम एजेंट को सौंपा है। आप देखते हैं वो बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं। अगर वो बना देते हैं तो उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम आपको वीडियो में बाद में देंगे, अगर परमिट बन जाता है ना। क्योंकि जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ हो जाए तभी आपको उसका डिटेल देंगे। और ऐसा कुछ सीन है फिलहाल तो। और अनुदा ने बहुत देरी लगा दिया। अनुदा को मैंने कल बोला था 7:30 पे अनुदा निकल जाएंगे, पर अनुदा ने लेट लगा दिए। और अभी बैग वगैरह पैक करते हैं बस थोड़ी देर में, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जैसे ही हम निकलते हैं तब आपको वीडियो में आगे मिलते हैं। थैंक यू, बाय। तो भाई यहाँ पर जाने से पहले अभी स्ट्रैप का खेल चल रहा है। देखो यहाँ पे सामने सारे के सारे लगे हुए हैं, देखो कैसे लगे हुए सारे, ये सारे के सारे। तो भाई फाइनली अनुदा का स्ट्रैप लग चुका है, हम जाने के लिए तैयार हैं। और अभी मुझे लगता है शायद भाभी थोड़ी दुखी टाइप की हो रही है क्योंकि अनुदा जा रहे हैं काफ़ी लंबे टूर पे। वो देखो वहाँ देखो। चलो दीपक दा मिलते हैं, ठीक है लच्छू भाई चलते हैं, ठीक है। आज एक नई राइड है, लंबी राइड है। तो फिलहाल आज का अपना एम है फिलहाल तो पहले धारचूला पहुंचना। तो धारचूला पहुंचने में समय लगेगा, लेट्स सी कितना समय लगता है। पहाड़ों के नज़ारों के मजे लेते हुए जाएंगे बढ़िया करके। अनुदा ने इतनी गोली क्यों कर दी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अनुदा के साथ आज मेरी ये पहली राइड है, तो आज मेरे को सही बताऊँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे मैं सोलो राइड करता हूँ पर आज अनुदा के साथ राइड है एंड बहुत मज़ा आने वाला है मुझे ऐसा लगता है। तो आज का हमारा रूट क्या रहेगा मैं आपको ये बताता हूँ। देखो आज का हमारा रूट बेसिकली ये रहेगा, हम अभी हैं मेहरा गांव से निकले, हम नीचे जाएंगे खुटानी, खुटानी से हम जाएंगे फिर ऐसे आपका सीधे लमगड़ा, धानाचुली लमगड़ा होते हुए, गन्या होते हुए घाट, पिथौरागढ़ और सीधे धारचूला। आज मौसम बढ़िया है, हालांकि थोड़ा ठंडा हो रहा है वो बात अलग है। और वैसे प्रेम लोग भी गए हैं, प्रेम और मोहित लोग भी गए हैं, वो गाड़ी में गए हैं एक भैया के साथ। तो उम्मीद है प्रेम लोग भी मिल जाएंगे। प्रेम लोग कल धारचूला बेसिकली पहुंच गए थे एंड धारचूला वो लोग पहुँच गए थे, आज वो लोग परमिट बनाएंगे। तो देखते हैं क्या सीन होता है, क्या पता वो लोग मिल जाए हमसे, कहीं ना कहीं टकरा जाए। फिलहाल तो वो ऐसा कह रहे थे कि आज परमिट बनाने के बाद वो लोग निकल जाएंगे सीधे आपका गुंजी की तरफ। लेट्स सी प्रेम लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अब हमें जाना है खुटानी से ऊपर की तरफ, यानी कि लेफ्ट, और लेफ्ट वाला रूट हमें पहुंचाएगा सीधे पिथौरागढ़ की तरफ। ये लो भाई, तो हम पहुंच चुके हैं चाफी। चाफी मेरे को एक बहुत ही खूबसूरत जगह लगती है, और यहाँ पे आप अगर सुबह सुबह आओ ना भाई तो भाई इस जगह का जो फील है ना अल्टीमेट। अनुदा को मेरे ख्याल से ठंडा लग रहा है, अब अनुदा को चाहिए ग्लव्स। ग्लव्स तो भाई सुबह सुबह हो रहा है बहुत ही ज़्यादा ठंडा। अभी अनुदा को ठंडा लग गया था तो अनुदा को मैंने ग्लव्स दिए, हालांकि अनुदा अपने ग्लव्स ला रहे हैं फिर भी बाहर से बैग में रखे थे, तो मैंने कहा अनुदा यही ग्लव्स यूज़ कर लो तुम। और ठंडा हो ही रहा है भाई सुबह सुबह। आज तो अनुदा कतई राइडर बने हुए हैं भाई, बढ़िया एकदम। अब तो हो रही है धूल ही धूल, खतरनाक धूल। आगे से 3 ट्रक जा रहे हैं और धूल ऐसी हो रखी है ना क्या ही बताया जाए, अल्टीमेट धूल भाई। लो जी तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं धानाचुली, और अनुदा मेरे ख्याल से हिमालय। ओ भाई साहब अनुदा ये तो बहुत ही सही दिख रहा है। ये देखो अनुदा का ब्लॉग चल रहा है। हाँ
एग्जैक्टली तो मुझे तो उम्मीद थी कि आज हिमालय शायद ही दिखेंगे, पर उधर की तरफ अगर आप लोग नोटिस करें तो आपको हिमालय की रेंज दिखाई दे रही होगी, बहुत ही बढ़िया सुबह की सनलाइट है। इधर नींबू का पेड़ भी है वैसे यहाँ, और उधर कुत्ते भी भौंक रहे हैं प्यारे प्यारे, अरे बेचारों को कैसे बांध रखा है। और धाना चुली में हो रहा ठंडा, इसलिए आस्तीन थोड़ी नीचे कर लेते हैं, हीरो नहीं बनते हैं अभी, बहुत ही ठंडा हो रहा है भाई कसम से। तो आगे आगे जो जो लोकेशन आती रहेगी आपको हम बताते रहेंगे, और उम्मीद है जो मेरा बैग जो मैंने बांधा है बाइक में वो ढीला ना हो, क्योंकि जब मैं चार धाम कर रहा था मुझे उसी की याद आती है, जब चार धाम कर रहा था तो बैग ऐसा ढीला हो रखा था ना, क्या ही बताऊँ भाई मैं तो, भाई ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद मैं बाइक चला रहा हूँ पहाड़ों में, तो ऐसा क्लच दबाते दबाते मेरे हाथों में ऐसा दर्द हो रहा है ना। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, परसों की बात है, परसों मैं हल्द्वानी में था तो परसों मेरा हो गया था एक्सीडेंट, और सही बताऊँ तो अभी मेरे घुटनों में भी दर्द है और नीचे पैरों में भी दर्द है, राइट साइड के पैर में। हुआ क्या था कि जब मैं, आपने अमर उजाला का ऑफिस देखा होगा देवल चौड़ से पहले है हल्द्वानी में जो जो जानता होगा, तो मैं जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ रहा था मैं गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था, सामने से भी गाड़ी आ रही थी, एक अंकल ने बीच रोड में स्कूटी डाल दी साइड में, साइड से सॉरी, तो भाई बस जितना ब्रेक लगा सकता था मैंने उतना लगाया और जाके मैं अंकल से, अंकल की स्कूटी से ठुक गया, क्या कर सकते हैं ऐसी है किस्मत। पर मैंने डिसाइड किया भाई देखो आदि कैलाश जाना है तो जाना है, क्योंकि भाई ये जो है ना ये हम इस बार नहीं छोड़ सकते भाई, इस बार जो होगा भाई देखा जाएगा, जाना है तो जाना है। अनु तो ढलान पे इतनी तेज भगा रहे हैं ना भाई, क्योंकि अनु तक के ब्रेक इतने बढ़िया हो रहे हैं ना एकदम, और मेरे एनएस में यार मैंने देखा है ना ब्रेक्स की थोड़ी दिक्कत है, पीछे वाले ब्रेक थोड़े कम आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से मुझे ढलान पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है। जब भी हम इस रोड से जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ हिमालय है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, आज हिमालय का जो नज़ारा है ना काफ़ी क्लियर है, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है, इनक्रेडिबल। तो अभी हम पहुंचने वाले शेर फाटक, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है शेर फाटक की, और आगे एक चेक पोस्ट आता है जहाँ से हमें मुड़ना है लेफ्ट, जो कि रास्ता जाएगा लमगड़ा की तरफ, हमें एग्जैक्ट लमगड़ा नहीं जाना है, तो यहाँ से नीचे से वो रास्ता हमें लेना है लेफ्ट वाला, आपको दिखाते हैं। तो अभी हमें मुड़ना है लेफ्ट, ये लो भाई, तो अभी अपने को फॉलो करना है ये वाला जो रूट है, आज बढ़िया धूप है, गाड़ियाँ उतनी वैसे दिखाई तो अभी नहीं दे रही हैं, वो पता नहीं क्या रीज़न है, पर शायद आगे से ज़्यादा दिखाई दे, या हम ही अर्ली मॉर्निंग आ गए हैं तो शायद इसलिए नहीं दिखाई दे रही हैं गाड़ियाँ। तो भाई कहते हैं ना मुसीबतें कभी भी आ सकती है, अब मेरा जो ब्रेक है पीछे वाला वो लग नहीं रहा है, अब पता नहीं डिस्क गर्म हो गई है या क्या फंडा है, पर अभी पीछे वाले ब्रेक्स बहुत ही कम आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे लगभग, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके ब्रेक्स आ जाएं, अभी देखते हैं अब जो होता है। अचानक से आने लग गए ब्रेक्स, थोड़ा मुझे अभी संभल के चलना पड़ेगा, अभी तो अचानक से बिल्कुल ब्रेक का पेडल बिल्कुल नीचे चले जा रहा था, तो भाई मैंने कहा ले अब लगी वाट, लमगड़ा है यहाँ से करीब 12 किलोमीटर। अभी ऐसी मेरे को धक धक हो रही है ना कि ये ब्रेक मेरा दोबारा से वैसे ही ना हो जाए, वरना लग जाएगी रेड, क्योंकि ब्रेक लगना बहुत ज़रूरी है पहाड़ों में, ब्रेक के बिना तो भाई समझो कटी पतंग हो तुम, मैं यही कहूँगा। हाँ जी, तो अभी हम पहुँच गए डोल, और यहाँ से डोल आश्रम बहुत ही नज़दीक है रोड के किनारे से, हम कोशिश करेंगे कि आपको डोल आश्रम का थोड़ा नज़ारा दिखाएँ। एक आगे एक पैच है जहाँ से डोल आश्रम का नज़ारा दिखता है, वो देखो तो जो सामने आपको दिख रहा है वो है डोल आश्रम, और उधर शिव जी की एक बड़ी सी मूर्ति है बहुत ही बढ़िया सी वाइट कलर की, और वो सामने डोल आश्रम, सुबह सुबह और ही बढ़िया लग रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं अभी छड़ौजा, और यहाँ से सूरज का गांव ऐसे बहुत नज़दीक है, अब क्या पता सूरज भी रास्ते में मिल जाए, मतलब उम्मीद कर सकते हैं हम ऐसी, बाकी क्या कह सकते हैं आप लोगों से। अभी ब्रेक में थोड़ी राहत है, बढ़िया एकदम, अनुदा भी बढ़िया आगे आगे चल रहे हैं, कभी कभी पीछे से पीछे चल रहे हैं, तो अनुदा अभी तो फिलहाल पीछे चल रहे हैं, और गोप्रो पता नहीं क्यों अभी पावर ऑफ हो गया था अपने आप ही, पता नहीं क्या रीज़न है, जबकि बैटरी भी लो नहीं है, नाइस। ये भाई तो अभी अपने को चलना है इधर की तरफ, राइट की तरफ, चलो भाई
तो यहाँ से करीब 11 किलोमीटर धनिया है, पिथौरागढ़ घाट। सबसे पहले हम पहुँचेंगे धनिया, उसके बाद हम पहुँचेंगे घाट, फिर हम पहुँचेंगे पिथौरागढ़, फिर पिथौरागढ़ से धारचूला की तरफ। बढ़िया रोड। ये वाला जो सेक्शन है ना, बहुत ही प्यारा लगता है देवदार का, देख रहे हो आप लोग? वाह, अल्टीमेट यार। GoPro की बैटरी चेंज कर लिए और अभी हम हैं धनिया से थोड़ा पीछे। एग्जैक्ट मुझे इस जगह का नाम पता है नहीं। ये हमारे अनुदा राइडर प्रोवाइडर। बाकी आप लोगों को मैं एक बार देवदार के बढ़िया बढ़िया पेड़ दिखाता हूँ। सही बताऊँ तो ये जो डामर की रोड है ना, ऐसे ब्लैक ब्लैक टाइप की लग रही है, और ये पेड़ भाई अलग ही सीन है भाई। सनलाइट जो आ रही है ना ऐसे पेड़ों के बीच बीच में, इनक्रेडिबल। ये अनुदा का बैग, अनुदा का सामान कॉर्ड से बांधा हुआ है हमने ताकि कंधे पे ज़्यादा जोर ना पड़े। और ये है मेरी बाइक, सामान इस तरीके से मैंने बांधा है। हमने बैकअप के लिए अपने पास एक छोटा वाला बैग भी रखा है, इन केस जैसे हम होटल में रहते हैं और हमें अप डाउन करना है तो छोटा वाला बैग हम लेके कैरी करेंगे, ऐसा वाला सीन है। बाकी नज़ारा कुछ ऐसा है। और चले फिर अनुदा, चलो फिर। तो अभी हम पहुंच गए हैं धनिया, और धनिया के नज़ारे काफ़ी प्यारे प्यारे हैं। सही बताऊं तो ये जो घर है ना, उनके ऊपर जो टेक्सचर है पत्थरों का, भाई मज़ा आ गया। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? ले अनुदा ने तो बाइक भगा दी। अबे अनुदा गायब, ले गायब भाई, मतलब सही है अनुदा, सही है। अकेले अकेले गायब हो जा रहा ना। अनुदा ने तो जो बाइक गोली कर रखी है माँ कसम, अनुदा को तब से मैं अब जाके पकड़ में पकड़ अभी भी नहीं पकड़ पाया हूँ मैं अनुदा को। वैसे वो अनुदा सामने जा रहे हैं, इस वाली मोड़ पे हैं, वो रहे अनुदा सामने। भाई अनुदा तुम क्या कर रहे हो, इतनी गोली क्यों भगा रहे हो? अनुदा कह रहे अभी तक तुम भगा रहे थे, अब मेरी बारी। अभी मैं मरा था यार, ये फिर से ब्रेक ऐसी हो गया अनुदा। अभी ना, अभी ये पूरा ब्रेक फिर ये हो गया। देखो इसका क्या, इसका क्या सीन चल रहा है। गया था अभी मैं, ब्रेक अप्लाई करा, ब्रेक ही नहीं आया। तो भाई देखो, अभी मैं मोड़ से आ रहा था और अचानक से फिर से ब्रेक का पंगा हो गया। मुझे पता नहीं इसका क्या सीन चल रहा है। अभी मैं फिर मरने वाला था अभी, सही बताऊँ तो। वो तो अच्छा मैंने आगे वाला ब्रेक लाया, थोड़ी कंट्रोल कर ली बाइक, आगे से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही थी, वरना अभी सीन था गड़बड़। अनुदा क्या उड़ा रहे हो तुम ये? अनुदा की चिड़िया उड़ी है, देखो ये देखो सामने, देखो जूम इन करके दिखाऊँ क्या? देखो भाई, यहाँ से राइट को जब हम जाते हैं तो ये जाता है रास्ता घाट और पिथौरागढ़ की तरफ, और ये जो लेफ्ट वाला रास्ता है ये गया बेरीनाग और चौकुड़ी की तरफ। तो फिलहाल तो अपने को जाना है इधर, तो अपन कट लेते हैं इधर। ये राइट वाला रास्ता गया, ये सीधे गया चंपावत टनकपुर लोहाघाट, और ये वाला गया अपना पिथौरागढ़ की तरफ। चलो भाई, तो अभी चलते हैं और देखते हैं कोई बढ़िया सा ढाबा वाबा कुछ मिल जाए, चाय पीते हैं। यार चाय की प्यास लग गई यार कसम से। ओ यहाँ से गुंजी की भी डिस्टेंस लिखी है, 206 किलोमीटर है गुंजी। पिथौरागढ़ है यहाँ से 28 किलोमीटर और धारचूला के डिस्टेंस है यहाँ से 120 किलोमीटर। तो अभी हम रहे हैं रास्ते में, और नीचे वाली दुकान में तो मैगी मिली नहीं, तो हमने सोचा चलो यहाँ खा लें, तो इधर खाते हैं मैगी, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, डिवाइस चार्ज करते हैं। डिवाइस कहने का मतलब बैटरी GoPro की। तो चलो भाई, मैगी वैगी खाने के बाद हमने एक पानी की बोतल भी रख ली है, हम घर से लाना भूल गए थे। और तुम सोच रहे हो कि मैं पैर ऐसे क्यों डाल लूँ, क्योंकि मेरे पैर में लगी है चोट, ये देखो मेरी पैंट देख रहे हो कैसी फटी है, ये एक्सीडेंट में फटी थी परसों, मैं इसे ही पहन के आ गया। अंदर से मैंने एक गर्म पैजामा पहनी है ताकि ठंडा ना लगे। चलो ये बातें बाद में बताएंगे आपको बाकी की, फिलहाल तो चलते हैं। चलो अनुदा,
चाय पीने के बाद एक अलग सी एनर्जी आ चुकी है अभी, और रोड बड़ी प्यारी है कसम से इधर की, तो यहाँ पे बाइक चलाने में और मज़ा आता है। हालांकि कहीं कहीं पे जो बड़े बड़े पत्थर हैं ना यहाँ पे, वो भी गिरे रहते हैं रोड पे, तो थोड़ा दिक्कत रहती है कभी कभी। बाकी रोड बढ़िया है, और अचानक से मेरे को थोड़ी ठंडी सी लग रही थी तो मैंने वापस अपनी फ्लीस पहन ली है। तो ये लो भाई, हम पहुंच गए पिथौरागढ़। ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा जो शहर आगे स्टार्ट होने वाला है, ये है पिथौरागढ़। और अभी अपना सबसे पहला काम है एटीएम से कैश निकालना। ये ऊपर के एरियाज़ में गूगल पे वगैरह तो काम करेगा नहीं, नेटवर्क होगा नहीं, तो कैश चाहिए। तो सबसे पहले कैश निकालते हैं, एटीएम ढूंढते हैं। उम्मीद है एटीएम आसपास मिल जाएगा वैसे, बाकी देखते हैं। तो एटीएम से कैश तो निकल गया हमारा, और उसके अलावा हम जहाँ पे गूगल पे यूज़ हो सकता है धारचूला तक गूगल पे यूज़ करेंगे, बाकी कैश हम बचा के रख रहे हैं। हम है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में आपको अगर मेरे लेफ्ट देखो तो आपको घर ही घर दिखाई दे रहे होंगे, घर पे ही घर और घर ही घर, बहुत सारे घर। और हम जा रहे हैं धारचूला की तरफ। धारचूला यहाँ से करीब 93 किलोमीटर के आसपास। अनुदा पीछे से आ रहे हैं। अरे गाड़ी वाले क्यों आगे से आ रहे हैं भाई? अरे तुम भी, अबे भाई। तो वापस से पहाड़ की जो सड़कें होती है ना, ऐसी घुमावदार, ऐसी ऐसी ऐसी। धारचूला की तरफ बढ़ रहे हैं, अनुदा आगे है, और अनुदा के पीछे एक है मैक्स टैक्सी नंबर, वो भी कतई गोली भाग रहा भाई, कतई गोली। पिथौरागढ़ से अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं हम ऐसे, तो पिथौरागढ़ इधर की तरफ रह गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड, और अभी हम जा रहे हैं धारचूला की तरफ। और कहीं कहीं पे काम भी चल रहा है रोडों पे, नाइस। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, इस जगह का नाम है कनाली छीना। जय हो, क्या बात है भाई, ये पहाड़ के टॉप पे है एकदम मंदिर, खतरनाक सी जगह पे। यहाँ पे रोड है पतली पतली और नीचे पूरी खाई ही खाई, क्या बढ़िया लग रहा है। हमारी राइट साइड में हमें हिमालय की पीक्स दिखाई दे रही है, हिमालय सीरीज़ है, अभी बादलों से ढकी हुई है। गोप्रो का एंगल इतना वाइड है, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि एक जो पीक दिख रही है उधर पंचचोली की दिख रही है, बहुत ही ऐसा एकदम नुकीली सी, तो अभी नज़र नहीं आएगी आप लोगों पर ना, अभी वो देखना है, बहुत ही इनक्रेडिबल लग रही है भाई। और ये जो लाइट पड़ रही है ना सामने, देखो क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। रोड तो वैसे क्षतिग्रस्त है ही है, धीरे चलने का प्रयास किया जा रहा है, जो दो गाड़ियाँ आती है ना तो जगह नहीं बनती यहाँ पे। ये रोड देख रहे हो आप कितनी डेंजरस है ये वाली, ओ भाई साहब ये रोड कसम से डेंजरस है यार, ऊपर से पहाड़ और नीचे सीधे खाई। हालांकि पहाड़ों में हर जगह ऐसा ही होता है, पर फिर भी ये थोड़ी डेंजरस है क्योंकि इसकी जो मिट्टी है ना और ये नीचे वाला जो एरिया, वो थोड़ा हल्का हल्का सा फील हो रहा है मेरे को बड़ा। ओए होए होए, यहाँ तो पूरी ढलान ही ढलान है। ओके भाई, थोड़ी सी अच्छी रोड फिर से आ गई है, और न्यूट्रल पे ही चलते हैं फिलहाल। तो अनुदा पता नहीं कहाँ गोली हो गए, वो गोली ये रहे भैया, अनुदा तो यहाँ है, देखो ये हे आगे वाला। अनुदा इतनी गोली हो गए थे, क्या बताऊँ मैं। कोई नहीं अनुदा, कोई नहीं, चल नहीं है ना तुम्हारी, सही है सही है, तुम लॉक देखना, तुम मौके का फ़ायदा उठा रहे हो ना मेरे ब्रेक की दिक्कत से, सही है सही है। तो अभी गोल्डन आवर स्टार्ट हो गया है, और आंटी लोग बढ़िया एकदम घास और लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं शाम को आग आग जलाने के लिए। और भाई जो गोल्डन लाइट होती है ना, ख़ास तौर पे पहाड़ों में, जो ये चीड़ के पेड़ है जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं पाइन ट्री, तो ये जो चीड़ के पेड़ है इसमें जब ये लाइट पड़ती है ना भाई, एक नंबर भाई, क्या ही बढ़िया एकदम अद्भुत लगता है भाई ये कसम से। तो अभी हमने सोचा है कि जो भी हमें पहला पेट्रोल पंप मिल गया वहाँ से हम पेट्रोल फिल करा लेंगे, रिफ़िल करा लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से धारचूला होगा अराउंड 40-42 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसलिए हमने सोचा कि पेट्रोल तो भाई फुल करा ही लेंगे। और अगली जो लोकेशन है आने वाली है, अगली जो डेस्टिनेशन है वो है अस्कोट।
आपको जो ऊपर वाला रास्ता दिख रहा है ना, ऊपर वाला रास्ता चले गया अस्कोट की तरफ, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर है, और ये जो नीचे वाले रूट से हम जा रहे हैं ये सीधे जाएगा धारचूला की तरफ। और अभी हम जब ऊपर से आते हैं तो हमने सामने के पहाड़ों के पीछे हिमालय पर्वत भी देखा, और हिमालय भाई उस पर जो लाइट पड़ रही थी ना इस टाइम पे, जो सनसेट वाली लाइट होती है गोल्डन आवर वाली, इनक्रेडिबल भाई। मैंने सोचा एक ब्रेक ले लेते हैं। सही बताऊँ तो जो पराठे हम घर से पैक करा के लाए थे ना, कब से मन हो रहा था खाएंगे खाएंगे, अब खाएंगे अब खाएंगे, तो फाइनली हम रुके हैं इस जगह पे। बाइक हमने साइड में खड़ी करी है और यहाँ पे हैं पराठे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो देखो भाई ये है पराठे, जल्दी से खाते हैं और ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि सनसेट होने वाला है। सनसेट हो जाए उससे पहले हमें अपनी लोकेशन पे पहुंचना है, जो कि है धारचूला, क्योंकि हमें पता नहीं रोड की कंडीशंस क्या है। अनुदा आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आप आते हो तो पूरी, मेरे हिसाब से तो अगर आप लोग बाइक राइड करते हो तो आप ज़रूर आओ बाइक राइड से, लेकिन अगर आप वैसे आते हो तो गाड़ी से आइए, बाइक राइड बहुत। तो ऐसा वाला सीन है। तो देखो हम लोग खाते हैं, और बाकी ये पराठे जो बनाए भाभी, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पराठे बनाए। और सही बताऊँ तो हमने रास्ते में बस मैगी और चाय बस इतना ही खाया था पिया था, उसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी अभी हम पराठे खा रहे हैं, तो मुझे लगता है पराठे खा के शायद हमें रात का डिनर करने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम लोग खाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में, देखते हैं क्या सीन होता है, धारचूला कितनी देर में पहुँचते हैं, है ना। फिलहाल तो मौसम कुछ ऐसा है, रोड बहुत चौड़ी चौड़ी सी ये वाली, एंड देखते हैं, है ना। तो अभी हम जॉलजीबी में पेट्रोल पंप से पेट्रोल डला रहे हैं, और गूगल पे तो खैर अवेलेबल है नहीं, तो फिलहाल कैश चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ऊपर तक कर दीजिए इसको, पूरा ऊपर तक कर दीजिए, 1350 टोटल, 1350 का टोटल पेट्रोल, तुम्हारे इसमें 600 का ना, और वैसे 750 का। चलो भाई तो पेट्रोल तो हमने डला लिया है, और एक यहाँ पे प्यारा सा हस्की भी है। क्या नाम है इसका? डेजी। कितने साल की हो गई है? अच्छा ठीक है ठीक है। डेजी बाय बाय। डेजी अनुदा क्या सोच रहे हैं? अनुदा कह रहे हैं अब धारचूला किधर की तरफ है? अनुदा राइट की तरफ, राइट की तरफ, राइट राइट राइट, धारचूला 30 किलोमीटर, जॉल जीबी की मार्केट। चलो वैसे हर जगह मार्केट होती ही होती है, फिर जॉल जीबी की मुझे थोड़ी सी वैसे बड़ी लग रही है, सूरज के गांव से तो बड़ी है। जी तो यहाँ पर रोड की हालत थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे ख़राब है, यहाँ पे बजरी बजरी और बड़े बड़े पत्थर देखने को मिल रहे हैं, खतरनाक। तो जहाँ तक सामने दिख रही है हमें बहुत सारी लाइट्स, और मुझे लग रहा है यही धारचूला है, पहुँच ही गया लगभग लगभग। रोड है तो भाई बहुत ही ख़राब, रोड ख़राब है, ये जॉल जीबी से आगे जो रोड आती है ना धारचूला, बहुत ही ख़राब भाई। ये जो 30 किलोमीटर का पैच है ना भाई, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि है धारचूला, और धारचूला में आज का हमारा स्टे है। इस होटल का नाम है देव दर्शन। एक्चुअली हुआ क्या सीन कि मोहित और प्रेम लोग भी कल इधर रुके थे, तो मोहित ने मुझे बोला था कि अमित भाई आप लोग भी इधर रुक जाना, अमित आप लोग भी इधर रुक जाना। तो रूम का जो रेंट है वो 500 रुपीज़ पर पर्सन है, तो 1000 रुपये, और इनकी अंदर पार्किंग भी है इनके पास, तो हमने पार्किंग में बाइक्स वगैरह डाल दी अपनी और सामान वगैरह सब रख दिए। अभी अभी मतलब 6:30 बजे हम पहुँच गए थे, थोड़ा रेस्ट करना है, और आपको एक बार रूम दिखाता हूँ। रूम तो देखो ये है, ऊपर सीढ़ियाँ आती हैं, हमारा रूम नंबर है यहाँ पे 109, रूम ठीक है बढ़िया है, मतलब अपने को क्या करना है, सोना ही तो है भाई, है ना। ये रूम है बढ़िया सा, यहाँ पे सामान रख दिया है, यहाँ पे सामान रख दिया है, ऐसा कुछ सीन है। और अभी बस हम रेस्ट करेंगे, और बाकी आप लोगों को मिलते हैं कल सुबह, जब हम जा रहे होंगे गुंजी की तरफ या तो नाबीडांग की तरफ, देखते हैं कल कहाँ पहुँचते हैं, कितनी जल्दी निकलते हैं। और परमिट हमें मिल चुका है, परमिट दिखाता हूँ। ये देखो ये है हमारा परमिट, ये है अनुदा का परमिट, आनंद सिंह रावत आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अनुदा का परमिट। हमारे पास ये कॉपी जो है मोबाइल में भी अवेलेबल है,
और ये है मेरा परमिट अमित कुमार सिंह, और इसमें सारी डिटेल्स हैं। ये मेरा परमिट, तो परमिट भी बन चुका है। बाकी आप लोगों से मिलेंगे अब हम सीधे कल। बाय।